हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक क्रिएशन के वीडियो के बारे में। और स्टॉक क्रिएशन का ये एक डेमो ही है, क्योंकि सिर्फ एक ही टेबल लेंगे हम और एक ही टेबल में ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, आगे चल करके इस पर और भी ज्यादा डिटेल में वीडियो क्रिएट करूंगा। फिलहाल आज की ये वीडियो सिंपल एक डेटाबेस का डेमो देखने के लिए है कि डेटाबेस हम स्टॉक का कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक फील्ड हमने डाली है प्रोडक्ट आईडी, जिसका डेटा टाइप हमने नंबर रखा है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये डेटा टाइप है, ये तमाम डेटा टाइप्स आपको दिख रहे होंगे। 2007 वर्जन यूज किया, पिछली बारी मैंने 2016 यूज किया था। 2007 थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल है, सबके पास होता है, तो इस वजह से 2007 पे ही बता रहा हूँ। परचेजिंग प्राइस यहाँ पे आएगी, किस डेट पे हम परचेज करेंगे। भाई देखिए, सीधी सी बात है, जो लोकल सप्लायर है वो भी कहीं से माल खरीदता होगा, तो जब माल खरीदेगा तो उसको कम प्राइस पे मिलेगा और फिर वो ले आएगा तो कुछ प्रॉफिट पे उसे बेचेगा। ठीक है, तो ये परचेजिंग प्राइस हो गई, यानी किस प्राइस पे वो परचेज करके लाया। अब यूनिट कितनी परचेज किया वो यहाँ पे आ जाएगा। इसे मैंने परचेजिंग प्राइस को करेंसी डेटा टाइप रखा है, और परचेज डेट यहाँ पे है किस डेट पे इसने परचेज किया, और सेलिंग प्राइस और सेलिंग यूनिट और सेल्स डेट किस डेट पे सेल हुआ। और यहाँ एक एमआरपी का भी हमने फील्ड डाला है, जिसका डेटा टाइप हमने करेंसी रखा है। तो ये कुल मिलाकर के इतना हमने रखा है। अब यहाँ से व्यू पे कर दीजिए क्लिक और यहाँ से गेस कर दीजिए। तो ये इस तरीके से सीधा चलता हूँ कहाँ क्रिएट पर, और यहाँ से आ जाके कहाँ चलेंगे, ये जो मल्टीपल आइटम्स दिख रहा है यहाँ पर आ जाएंगे, और ये इस तरीके से हम ये डेटाबेस क्रिएट करेंगे। यहाँ से डिजाइन व्यू पे आ जाता हूँ, इसको अच्छे से हम डिजाइन पहले कर लें। ठीक है, और इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये काफी ज्यादा विथ इसकी बढ़ गई है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसके बाद ये सारी चीजें आपको दिख ही रही होंगी। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये वाला कलर जो है इसे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला कलर हमने प्रोवाइड कर दिया है, और ये जो है इसको हम कर देते हैं ब्लैक कलर। सेलेक्शन में लेकर के और इसका कलर ब्लैक कर दीजिए, तो ये इस तरीके से आएगा। आप चाहे तो इस पे भी कलर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल इस पे अभी मैं नहीं लगा रहा। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रही होगी परचेजिंग प्राइस, किस प्राइस पे परचेज हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर दिख रही होगी आपको यूनिट दिख रही होगी, और कुल मिलाकर कितना हुआ उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बटन्स क्रिएट करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले डिजाइन पे तो है ही है, तो डिजाइन पे ही रहते हुए हमको कहाँ जाना है, टेक्स्ट बॉक्स पे जाना है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया हमने, और यहाँ पर इसको ड्रैग करवा दीजिए। ये ड्रैग करवा दिया हमने, ड्रैग करवाने के बाद इसको थोड़ा सेट करेंगे। ये देख इन रुपीज, ओके ये लिख दिया हमने। अब यहां से ये इसको इसकी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। इसको मैं क्या करता हूं, ये ऐसे कर लेता हूं थोड़ा इधर की तरफ, और यहां से इसको छोटा कर लेता हूं। ठीक है, और ये ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब यहां पर पता कैसे चलेगा, इस पर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, यहां पे परचेज लिख देता हूं, और ये कंट्रोल सोर्स पे आके यहां पर हमें थ्री डॉट्स पे क्लिक करके फॉर्मूला लगाना है। तो इज इक्वल टू परचेजिंग प्राइस लेनी है, तो यहां पर डबल क्लिक कर लीजिए और इनटू का साइन लगाइए, और परचेजिंग प्राइस को मल्टीप्लाई किससे करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए यूनिट से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ओके कर दीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा टोटल कितना परचेज किया था हमने, कितने रुपए का, वो आ जाएगा। ठीक है, अब सेलिंग के लिए क्या करेंगे, इसमें सेलिंग का भी कॉलम मैंने दिया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सेल्स सेलिंग प्राइस है, सेलिंग यूनिट है, सेल्स डेट है, तो ये आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे देंगे हम देख लीजिए। इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक और टेक्स्ट बॉक्स चूज करते हैं, और ये यहाँ से यहाँ पे इसको ड्रैग कर देंगे, और इसको भी बड़ा कर लेंगे हम थोड़ा, जस्ट अबाउट ये जो टोटल परचेजिंग इन रुपीज है इसके लगभग बराबर। अब यहां से इसको हटा दीजिए। अब चूंकि परचेजिंग वाला तो काम हो गया, अब हमको सेल्स वाला काम करना है, तो सेल्स वाला काम कैसे करेंगे, तो सेल्स वाले काम के लिए हमें सेलिंग प्राइस की जरूरत पड़ेगी। तो पहले तो इसको मैं चेंज कर लेता हूं, टोटल सेल्स कर लेता हूं, तो ये टोटल सेल्स हो गया। अब यहां पर टोटल सेल्स लिखा हुआ आएगा। अब यहां पर क्या करता हूं, इसको बना लेता हूं सेल्स,
ठीक है। अब यहां पर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो ये थ्री डॉट्स पे जाइए, यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। किसको किसको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, तो यहां पे देख सकते हैं ये सेलिंग प्राइस है, किस प्राइस पे आप सेल कर रहे हैं इनटू, अब यूनिट है तो यूनिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां से ये यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेलिंग जो प्राइस है वो आ जाएगी यहां पे। यहां पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाई पड़ेगा, यहां फार्मूला अप्लाई हो चुका है। इसके बाद फिर नीचे आते हैं, अगर आप इसको साइड में रखना चाहते हैं तो साइड में भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसको उठा करके इधर कर देंगे तो ये इस साइड आ जाएगा, क्लियर है। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं और ये हो गया। तो यहां पे परचेजिंग प्राइस आ गई और ये सेलिंग प्राइस आ गई, ठीक है। इस पर टैक्सेशन वगैरह का भी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने ये सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है, यहां पर हमको बटन्स भी बनाने हैं। बटन्स कैसे बनेंगे, यहां पर बहुत सिंपल है, बटन बनाना तो लगभग हर वीडियो में मैंने सिखाया है। यहां पर जाइए आप और यहां से आप बटन्स क्रिएट करना शुरू कीजिए। ये पहला बटन है, तो ये सबसे पहले हम नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन बना रहे हैं, तो यहां नेक्स्ट पे क्लिक किया, हम पिक्चर नहीं लेना चाहते टेक्स्ट लेना चाहते, तो ये टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया और यहां से फिनिश कर दिया, तो ये बटन भी आ गया यहां पे। अब दूसरा बटन बनाना है, तो यहां से आप बटन पे फिर क्लिक कर दीजिए, आप कॉपी भी कर सकते हैं, ये यहां पे लेकर के यहां पे आ जाइए और फिर यहां पर नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन बन चुका है, प्रीवियस रिकॉर्ड का बटन हम बना रहे हैं, तो यहां से प्रीवियस रिकॉर्ड का बटन भी ये बन करके तैयार हो जाएगा। ये देखिए प्रीवियस रिकॉर्ड का बटन है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं मैं। अब प्रीवियस रिकॉर्ड का बटन, नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन, ये दोनों हम बना चुके हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, एक और बटन क्रिएट करता हूं, ये यहां से ले लिया हमने, ड्रैग करवा दिया। अब यहां से हमें ऐड रिकॉर्ड का बटन बनाना है, तो ये ऐड रिकॉर्ड और टेक्स्ट पे जाके क्लिक करके और यहां से फिनिश, तो ये ऐड रिकॉर्ड भी हो जाएगा। फिर इसी तरह से और भी बटन हम क्रिएट कराते चले जाएंगे, जितने भी हमें जरूरत होंगी उस हिसाब से। तो ये यहां पे डिलीट रिकॉर्ड का भी बटन हमने क्रिएट कर लिया, और अगर हम डिलीट करना चाहेंगे तो यहीं से हम डिलीट भी कर पाएंगे। तो एक तरह से ये स्टॉक का डेटाबेस ही है। अब इसमें आगे चल करके मैं कई टेबल्स में रिलेशनशिप क्रिएट करा करके कैसे करना है ये वो भी बताऊंगा, ऑनलाइन कैसे यूज करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को वो भी बता दूंगा। थोड़ा सा टाइम की पाबंदी रहती है मेरे साथ, तो एडजस्ट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से अब वापस अगर कोई और बटन देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, यहां से यहां पर क्लिक करके, और इसका जो बैकग्राउंड ये पीछे का हिस्सा होगा वो कैसा दिखेगा वो यहाँ पे दे दीजिए। अगर आप इसमें भी कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से ये भी कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये सारा काम करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से व्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का डेटाबेस हमें नजर आएगा, लेकिन हम इसमें कुछ और भी चेंजिंग करना चाहते हैं, वो चेंजिंग क्या होगी मैं आपको दिखाता हूँ। इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए और यहां से ये जो दिख रहा है ना लाइन कलर, इस पर क्लिक कर दें आप, क्लियर है, ये लाइन कलर पे आपको क्लिक करना है, क्लिक कर दिया। अब यहां से इस पर क्लिक करिए, अब ये आपको डेटाबेस कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये डेटाबेस कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा, कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 70 का तो हमने खरीदा लेकिन बेचा 120 रुपए का एक कीबोर्ड, ठीक है, और सेलिंग यूनिट कितनी यूनिट्स बेची है हमने, जैसे हमारे पास कुल मिलाकर 70 यूनिट है, हमने 30 यूनिट बेच दिया, ठीक है। अब देखिए किस डेट पे बेचा, वो यहां पे आ जाएगा, 1 तारीख को बेचा था, ठीक है। तो अब ये इतना काम कर लेने से क्या होगा कि अब ये एमआरपी भी दे सकते हैं आप, एमआरपी मान लीजिए उस पे है 125 रुपए और आपने बेचा 120 रुपए का, तो ये यहां से आ जाएगा। अब देखिए यहां पे टोटल सेल भी आ रहा है, 8400 रुपए का आपने सेल किया है, ये देखिए परचेजिंग 4900 और 8400 की सेल कर दी आपने, सामान कितने का सेल किया, 8400 का सेल किया। अब अगर यहां पे देख सकते हैं ये, अब यहां पे दूसरा कोई प्रोडक्ट हो, जैसे यहां पे 2 एंटर करता हूं और यहां पे एंटर करूंगा जैसे सपोज कीजिए SSD, ओके, यहां पे आ गए। अब ये दिया हुआ है परचेजिंग प्राइस, कितने का परचेज किया था हमने, 3400 का परचेज किया था, ठीक है, और कितना था हमारे पास, कितने अमाउंट में था ये, 5 हमने परचेज किया था, और डेट, वो डेट परचेज की डेट क्या होगी वो यहां पे आ जाएगी। तो जो भी डेट है उस डेट को आप यहां चूज कर लें, ठीक है, यहां पे सेल्स की डेट बढ़ा दीजिए,
ठीक है, ये कर दिया हमने। अब ये देख सकते हैं आप, यहां पर रखा हमने और ये सेलिंग की प्राइस है। तो सेलिंग की जो भी प्राइस आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3400 का खरीदा है तो 4500 में हम बेचेंगे, ठीक है। अब कितनी यूनिट हम बेच रहे हैं, दो यूनिट बेच रहे हैं, तो दो यूनिट के हिसाब से। अच्छा, कब बेच रहे हैं वो भी यहां पे देना होगा आपको। ये हम बेच रहे हैं 2 तारीख 9 तारीख को, 9 सितंबर को हमने सेल किया। और इसकी एमआरपी प्राइस जो है वो है एमआरपी है। तो अब ये पूरी तरह से ये तैयार हो गया। अब इसको आप सेव कर लीजिए। एक बार आपने सेव कर लिया तो अब आपका काम हो गया। अब जब भी आप इसको क्लोज करेंगे और जब भी आप इसको दोबारा से ओपन करेंगे तो देखिए ये आ जाएंगे नेक्स्ट रिकॉर्ड पे, ठीक है। प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाने के लिए देखिए प्रीवियस रिकॉर्ड, ये जो एरो दिया हुआ है ना इस पे आप ध्यान दीजिए, प्रीवियस रिकॉर्ड, ठीक है। आप अगर ऐड कराना चाहते हैं न्यू रिकॉर्ड तो ये देखिए ये एरो जो बन रही है उस पे ध्यान दीजिए आप। अगर डिलीट करना चाहते हैं किसी रिकॉर्ड को तो आपको जाना पड़ेगा वहां पे। तो चलते हैं प्रीवियस रिकॉर्ड पे, इस रिकॉर्ड को हम डिलीट करना चाहते हैं। ये देखिए ये पूछ रहा है कि क्या आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, फिलहाल मैं नहीं करना चाहता। अगर आप कोई रिकॉर्ड को सेव करना चाहते हैं तो वो सेव हो जाएगा, ये सेव हो गया अपने आप, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से करके हम एक स्टॉक मैनेजमेंट का डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी बात, और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। और कोशिश कर रहा हूं, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी वीडियोस बनाने की, तो थोड़ा सा टाइम की भी काफी पाबंदी होती है जिसके वजह से मैं नहीं क्रिएट कर पाता हूं, इसके लिए सॉरी। जल्दी आपके वीडियोस मैं क्रिएट कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।